जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में हालात बदतर बने हुए हैं। हिंसा से अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं श्रीनगर में 11 जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। सुलग रही है कश्मीर घाटी, श्रीनगर में नहीं थम रही हिंसा। वानी की मौत पर मातम कब तक? जी हां, हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से ही घाटी में तनाव बरकरार है। सड़कें सूनी पड़ी है, दुकानों पर ताले लटके हैं, चारों तरफ पत्थर बिखरे हैं। सड़क पर या तो प्रदर्शनकारी हैं या फिर सुरक्षा बल। 3 दिनों से जारी हिंसा ने अब तक 25 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिसमें एक पुलिसकर्मी की शहादत भी शामिल है। वही इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, सोपोर समेत 11 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बेकाबू हालातों के मद्देनजर अब केंद्र ने भी श्रीनगर में CRPF की 8 और कंपनियां भेजने का फैसला किया है। अब तक घाटी में 20 कंपनियां तैनात की जा चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। सेना लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन भीड़ है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। बीती रात भी भीड़ ने BSF कैंप को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां बरसाई और हालात पर काबू पा लिया। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद खराब हुए हालातों से जम्मू से लेकर दिल्ली तक हलचल है। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कश्मीर के मसले पर विपक्ष को विश्वास में लेने की कोशिश की। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। आतंकवाद का सामना दृढ़ता और पूरी ताकत के साथ करना होगा, लेकिन कश्मीर घाटी में जारी हिंसा में निर्दोष लोगों का मारा जाना पीड़ादायक है। सूबे में जो राजनीति प्रक्रिया जारी है, उससे राज्य को फायदा हुआ है। जम्मू कश्मीर पर जारी हिंसा और सियासत के बीच अब पाकिस्तान ने भी नापाक दखल दिया है। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुरहान वानी के एनकाउंटर पर बयान दिया है। वैसे देश के आतंकी का खात्मा पाकिस्तानी सरकार को रास नहीं आ रहा। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुरहान वानी के एनकाउंटर पर हैरानी जताई है, साथ ही सैन्य कार्रवाई की भी निंदा की है। इस पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि यह हमारे देश का आंतरिक मामला है, भारत के अंदरूनी मामले में पाक ना बोले तो ही सही है। वहीं आतंक के आका हाफिज सईद ने भी वानी की मौत पर शोक सभा का आयोजन किया। खबर है कि जम्मू में खराब हो रहे हालातों के पीछे हाफिज सईद का ही हाथ है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी सरजबी में पैदा हुए आतंक को जब उखाड़ा जाएगा तो पाकिस्तान को तो दर्द होगा ही। देखते रहिए DB Live।